अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी टेस्टी और चीज़ी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे बनाना बहुत 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 इजी है क्योंकि आज हम पैकेट वाला पास्ता बनाएंगे उसी के मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट ये पास्ता लिया है, पास्ता चीज़ मैक्रोनी, तो ये हमें लेना है पैकेट। और इसके पीछे इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसे बनाना कैसे। इसमें हमें कुछ अलग से चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है या जो इसमें मसाला है ये उसी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चीज़ी बनता है। तो चलिए अब इसे जल्दी से खोल लेते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हमने कट कर लिया और ये देखिए इसके अंदर जो है एक मसाले का पैकेट है और काफ़ी बड़ा पैकेट है और साथ ही ये कुछ मैक्रोनी, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और इसमें कुछ 250 ml पानी डालना होता है बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने बर्तन रख दिया गर्म होने के लिए और इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैंने कुछ 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया था और इसमें डालूंगी थोड़ा सा अमूल बटर, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए वरना स्किप कर दीजिए। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इससे जो है टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा और ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी और मैक्रोनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पास्ता का मसाला जो इसमें निकला था एक पैकेट, ये सारा का सारा इसमें डाल देंगे और एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट में पास्ता जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसमें जो है उबाल आने लगा है, जोश आने लगा है, तो हम इसे एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे। और ये जो हम मैक्रोनी बना रहे हैं इसके अंदर जो मसाला निकला था उसमें कुछ कॉर्न है और कुछ सब्ज़ियाँ भी हैं, तो देखने से तो बहुत यम्मी लग रहा है। अब इसे 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारा चीज़ी पास्ता है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, देखने में तो बहुत यम्मी बहुत मज़े का लग रहा है। तो इसे हमने प्लेट आउट कर लिया है और अब हमारा मज़ेदार यम्मी टेस्टी और चीज़ी सा पास्ता बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें और बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाने वाले हैं क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आया और इसका टेस्ट भी एक बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी मुझे लगा। तो ट्राई करें और रेसिपी पसंद आती तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।